हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लाइफ विद मधु। और आज है संडे, जैसे कि आप जानते हो संडे, और आज का संडे थोड़ा स्पेशल है। पता नहीं बाहर का क्या हाल है गाइस, मुझे नहीं पता। आज संडे है जो जनता कर्फ्यू लगा हुआ है और बहुत ही साइलेंट हो गया है माहौल। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, हम देख सकते हो यहाँ पे, मतलब पूरा ही साइलेंट हो गया है यहाँ पे। बहुत ही चल पल मॉर्निंग, एटलीस्ट 10 बजे तक तो चलता रहता था, बट अब तो सुना ही नहीं दे रहा। अब देख सकते हो पूरा ही बंद है, पूरा बंद है। अच्छा है गाइस, बंद होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। आखिर हमारे भले के लिए है ये सारी चीज़ें। सो आज हमारा घर पर पैकिंग डे है एंड वी सपोर्ट इट, राइट? और सपोर्ट करना भी चाहिए हम लोग को, साथ में मिलके ये सब इसके लिए लड़ना चाहिए। और बाकी जो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आज का मैं सुबह सारा चीज़, सुबह उठ के ही सारा चीज़ मैं रेडी कर चुकी थी, और मैंने लंच के लिए जो जो आज मुझे बनाना है वो मैं सारा चीज़ रेडी कर चुकी हूँ। अभी बस मुझे बाकी हम लोग को ब्रेकफास्ट करना, मैं नहा के निकल चुकी हूँ। और आज मुझे देखना है बाहर क्या होने वाला है। मैं छत पे जाऊंगी, मैं देखूंगी। डर भी लग रहा है घर से बाहर निकलने। मैं निकली थी मॉर्निंग में, ऐसा कुछ नहीं था उस समय, एक दो गाड़ी चल रहा था। और अभी पूरा वीरान है रोड, पूरा मतलब देख के ही डर लग रहा है। हेलो गाइस, मैं अपने बिल्डिंग के छत पे चढ़ी हुई हूँ और मुझे देखना है कि कैसा चल रहा है बाहर पर। पता नहीं, बहुत ही साइलेंट है, फर्स्ट टाइम कैसा फील हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर, मतलब सड़क इतना खाली, इससे पहले मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है गाइस, हमें सब चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलने चाहिए हमें। आखिर ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए ही हो रहा है। एक तो बाइक जा रहा है, शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, बट इधर के कब कब करते हैं मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी। व्हीकल तो पूरा ही बंद है, जो पर्सनल गाड़ी या कोई काम है वही लोग ही बाहर दिख रहे हैं, बट बड़ी गाड़ी एकदम नहीं चल रही है बाहर गाइस, एकदम नहीं चल रही है। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, बट यहाँ समझ नहीं आ रहा है अब पे किसी ने, सारे व्हीकल ट्रेन बसेस बंद है पूरे शहर पे, बट ये चल रहा है, प्लेन चल रहा है बाहर, अब देखोगे। मैंने अभी लंच नहीं बनाया, लंच का प्रिपरेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अभी जाती हूँ, देखूँगी, लंच बनाऊँगी और मैं दिखाऊँगी आप लोग को आज मैं लंच पे क्या बना रही हूँ, क्योंकि हाउस अरेस्ट है हम लोग, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, सिंपल वेज बनाऊँगी आज लंच पे। तो हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग साथ बनाते हैं, खाते हैं। शहर कैसा दिख रहा है यहाँ से देख सकते हैं, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं। गाइस यहाँ पे इतना साइलेंट हो गया है ना माहौल, आप सुन सकते हो चिड़ियों का आवाज़, मतलब इतना क्लियर हो गई, घर से बाहर छत पे निकल के बिल्कुल भी नहीं आता। किसी भी दिन मैंने इतना क्लियर साउंड नहीं देखा, आप सुन सकते हो इतना साइलेंट है, इतना क्लियर सुनाई दे रहा है। तो चलती हूँ मैं नीचे, मुझे लंच की तैयारी करनी है। वैसे तो मैंने सारा प्रिपरेशन कर चुकी हूँ मैं, तो मैं अभी ये बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको कुकिंग करने के लिए छोड़ दिया था। ये मेरा बटर पनीर मसाला के है, जो बटर पनीर बनाओगे ना उसके लिए है आज का मेन्यू। मैं बटर पनीर और मटर पनीर बनाने वाली हूँ जीरा राइस के साथ, और साथ में पराठा है, तो इसका मसाला मैं प्रिपरेशन कर सकती हूँ बोलने वाली थी मैं, कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैं मसाला ऑलरेडी कुक हो गया है मेरा, इसको जो कि मैं अलग कर चुके रख चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं जो भी मसाला तैयार करूँगी वो मेरा मटर पनीर के लिए मसाला है, जो कि आप हम सब जानते हैं जैसे हम सिंपल से कुकिंग करते हैं, वैसे ही मैं इसको भी बड़ा बड़ा चॉप करके प्याज को मैं इसको डाल देती हूँ इसमें, ताकि ये स्मूथली जल्दी से रफली, इसका जो मसाला है जो मुझे थोड़ा रफ़ बनाना है, थोड़ा मोटा बनाना है, इसलिए इसको इस तरह से मैं मोटा मोटा काट के डाल देती हूँ। और टमाटर भी सेम मैंने उसी साइज में काट के तो उसमें डाल दे रही हूँ।
उसके बाद थोड़ी सी मैं नमक लगाऊंगी। नमक लगाने से क्या होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट जल्दी हो जाता है, थोड़ा गल जाता है जल्दी, तो मैं वो कर रही हूँ अभी यहाँ पे। अरे यहाँ पे बन रहा है कि मैं आपको जल्दी से बताऊँगी। गैस गैस आप लोग सेफ्टी ले रहे हो ना, अभी जो माहौल पार चल रहा है, मतलब सुनने में तो आया 32-31 ऐसा कुछ मार्च पूरा लॉकडाउन है, पूरा शहर लॉकडाउन है, पूरा होल इंडिया लॉकडाउन है गाइस। फिर यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे अपना तैयारी हो गया है मेरा ऑलरेडी, मेरा ये कुक हो चुका है। ये भी दोनों मसालों को मैं ठंड करके मिक्सी पे मिक्सी करके इसको मैं साइड में रख दूँगी, इसके बाद मैं ग्रेवी बनाऊँगी। देख सकते हैं मेरा मसाला ऑलरेडी सॉफ्ट हो गया है, पूरा ही सॉफ्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मोटा मोटा काटा है ना, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसको मिक्सना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप सॉफ्ट देख सकते हैं, मेरा ऑलरेडी सॉफ्ट मसाला सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको निकाल के रख लूँगी और मैं फिर पैन को मैं धो के फिर रख के फिर मैं इसमें, अब मैं बटर पनीर सबसे पहले बनाऊँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाया है, उसके ऊपर से मैं एक चम्मच बटर लगाऊँगी। गाइस घर में बना हुआ बटर पनीर बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है घर पे। प्रोसेस आपको दिखाना नहीं है, इसको मैं आपको आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ मैं इसका रेसिपी, क्योंकि सबको पता है अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो शूट करूँगी। बट और ये मेरा तैयार हो चुका था, मेरा मैं पराठा और राइस ऑलरेडी बना चुकी थी। और ये रहा मेरा आज का लंच जो है बटर पनीर और मटर पनीर। गाइस बहुत टेस्टी है, क्योंकि मैं ये बता सकती हूँ क्योंकि बाकी लोगों ने खा लिया, तो मैं बस मेरा ये लंच बाकी था तो ये लंच। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और हाथ धोते रहिएगा गाइस। सो टिल देन बाय।